बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि 118 वोट से कम होने पर सिंधबारी हो सकती है। और ये देखिए, यूपी के वोटों की गिनती से साफ होगा सियासी समीकरण, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट वैल्यू है वो उत्तर प्रदेश का ही है। 118 वोट होने चाहिए, मिलने चाहिए यशवंत सिन्हा को। 118 वोट से कम होने पर सिंधबारी की तस्वीर होगी साफ, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और यूपी के वोटों की गिनती से साफ होगा सियासी समीकरण, आंकड़ों के हिसाब से यशवंत सिन्हा को मिलनी चाहिए 118 वोट, और 118 वोट से कम होने पर सिंधमारी की तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल जया, और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। देखिए शैलेश, चाहे विधायक हो या सांसद हो, वोट वैल्यू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही विधायकों और सांसदों की है। ऐसे में क्या आपने नोटिस किया है, ग्राउंड से क्या इनपुट आ रहा है कि सिंधमारी को लेकर? देखिए, इसमें जो वोट है उनको समझना होगा। अगर हम बात करें विपक्षी दलों की, तो समाजवादी पार्टी और उसके जो गठबंधन के वोट है वो है कुल 125 वोट। इनमें से जो सपा का सहयोगी दल है सुभासपा, उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन करेगी। यानी इस 125 में से 6 वोट यहाँ पर चले जाते हैं यशवंत सिन्हा के खाते से निकलकर द्रौपदी मुर्मू के खाते में। अब बचे 119। शिवपाल यादव की बात करें, हैं वो प्रसपा के लेकिन सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, सपा से विधायक है, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट देने का ऐलान किया। ऐसे में 118 लोग ऐसे बचते हैं, ऐसे वोट बचते हैं जो यशवंत सिन्हा को, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनको मिलने चाहिए। अब अगर इन 118 में भी संख्या कम होती है तो साफ समझा जा सकता है कि एनडीए ने, यानी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मुख्य दल है तो उसकी बात करें, उसने सेंधमारी कर दी सपा में। और देखिए, जिस दिन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे, मतदान हो रहा था, उस दिन भी हमारी बात हुई भाजपा के कई नेताओं से, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ सपा के कुछ लोग संपर्क में हैं। और चर्चा इस बात की भी उस समय चली थी सोर्सेज से कि करीब 25 से 30 ऐसे विधायक हैं जिनसे भाजपा के नेताओं ने संपर्क किया है। तो अगर ये वोट की संख्या 118 से नीचे जाती है तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाजपा ने एक बार फिर से सपा खेमे में सेंधमारी कर दी है। तो अब सबको इंतजार है वोट की काउंटिंग का, और ये वोट की काउंटिंग आगे न सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए चीजों को दिखाएगी, बल्कि ये भी बता देगी कि जो यूपी की राजनीति है सपा और भाजपा के बीच में, जिस तरह से चीजें चल रही है उसको भी क्लियर कर देगी। क्योंकि सपा का जो गठबंधन है उसमें लगातार जिस तरह से दरार आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि कई पार्टी के अंदर के जो विधायक और नेता है वो भी कई चीजों को लेकर संतुष्ट नहीं नजर आते हैं। तो ऐसे में ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर, क्योंकि देखिए कुछ और नाम भी उस समय सपा विधायकों के चले थे जिनकी ये चर्चा हुई थी कि उन्होंने एनडीए की जो उम्मीदवार है उनको वोटिंग की है। बिल्कुल, तो ये सारी, और ये बातें कहीं ना कहीं पार्टी को भी भापनी पड़ी थी, तभी व्हिप जारी किया गया था। अगर हमें याद है, जिस दिन 18 तारीख को इलेक्शन चल रहा था तो पार्टी ने व्हिप जारी करके सभी विधायकों को इकट्ठा करके 10-10 के जत्थों में भेजा था। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति थी। अब देखना यह होगा कि वो सही था या गलत, ये आंकड़े बताएंगे जब नतीजे सामने आएंगे। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।